तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज मैं मेरे चैनल बिंदुज ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सो दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ ब्रेड पकोड़ा। सो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो दोस्तों, ब्रेड पकोड़ा बनाने के लिए हमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स चाहिए वो अब मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, और उसे कैसे बनाते हैं हम वो भी शेयर करेंगे। सो दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहना और लास्ट तक ज़रूर देखना। दोस्तों, मैंने यहाँ पे ब्रेड ले लिया, और यहाँ पे बेसन लिया, रेड चिली पाउडर, नमक और हल्दी पाउडर। सो दोस्तों, अब मैं ये ब्रेड को कट करूँगी। सो दोस्तों, ये दो पीस है, इसको मैं बीच से काटूंगी। सो दोस्तों, इसको बीच से मैं काट देती हूँ। सो दोस्तों, काटते समय ध्यान से काटिएगा, ये ब्रेड टुकड़ा ना हो जाए। सो देखिए, ऐसा शेप में होना चाहिए। सो दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहना और आगे देखना मैं इसे क्या करती हूँ। देख सकते हैं मेरे ये ब्रेड पकौड़ा बन के तैयार हो गया। अब मैं खाऊंगी। सो दोस्तों, ये टमाटो सॉस, दोस्तों ये अगर आप दोपहर के टाइम में बनाएंगे नाश्ते में तो बहुत ही मज़ा आने वाला है।
दोस्तों इसके साथ आप धनिया धनिया पत्ता का चटनी भी ले सकते हैं। तो दोस्तों मेरा ये ब्रेड पकौड़ा वाला वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ये रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। सो दोस्तों मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ।